हेलो एवरीवन मैं हूं जगदीश जोशी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसपीडी के बारे में यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस अब देखो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है कि ये हमको सर्ज से प्रोटेक्ट करता है ये हमारे होम अप्लाइंसिस को या फिर हमारे इंडस्ट्री में जितने भी हमारे मशीन्स uh, होती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनको सर्ज से प्रोटेक्ट करता है अब ये सर्ज क्या होता है और कैसे प्रोटेक्ट करता है इत, इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है किस तरीके से होता है बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको सब चीज़ खोल खाल करके यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना और प्रोटेक्शन डिवाइसेस जितने भी होते हैं ना उनके बारे में आपको डिटेल में जरूर पता होना चाहिए अगर आपको डिटेल में इनके बारे में पता नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान दी जाती है वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी और उसके बाद मशीन की सेफ्टी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो आप अपनी और मशीनों की सेफ्टी तभी कर पाओगे जब आपको सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होगा लेक्चर आखिरी तक जरूर देखना इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन से लेकर के कनेक्शन तक सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अब जो ये आपके एस होते हैं ये आपके सिंगल पोल डबल पोल या फिर फोर पोल में भी अवेलेबल होते हैं फोर पोल के एस आप लोगों ने ज़्यादातर इंडस्ट्री में देखे होंगे हम लोग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं इनको बाकी कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है हम लोगों की वहाँ पे घर या फिर ऑफिस में भी हम लोग एस को यूज़ करते हैं बाकी कौन से टाइप की एस पी डी कहाँ यूज़ होती है वो आगे चल के आप लोगों को पता लगेगा अब यहाँ पर मेरे पास सी ब्रांड की ये एस है मैं आपको इसके अंदर का भी कंस्ट्रक्शन अभी दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है ओके अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हम लोगों के पास एक एस है और इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी होती है यू सी आई मैक्स आई एन एंड अप ये कुछ वैल्यूज़ हैं 385 एट्टी फाइव एंड फोर्टी किलो एम्स ट्वेंटी किलो एम्स और 2.0 पॉइंट जीरो किलो वोल्ट ओके तो इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा पहले इसके अंदर का हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं किसके अंदर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है और हम लोग देखो यहाँ पे अगर मैं एक और एस आप लोगों को अगर खोल करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस टाइप के इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पे ये कार्ट्रिज होती है ये कार्ट्रिज आप निकाल सकते हो और सिंगल पोल में आप लोग लाइन और न्यूट्रल सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इस टर्मिनल पे और नीचे वाले टर्मिनल पे आप लोग सिंपली अर्थ कनेक्ट कर सकते हो ओके एंड ये डबल पोल में भी आते हैं डबल पोल में आप लोग क्या काम करोगे लाइन और न्यूट्रल सिंपली कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल और नीचे आप लोग ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दोगे अपनी और जो डीसी में आते हैं वहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो कि आप लोग प्लस माइनस दो वायर कनेक्ट कर दो यहाँ पे आप लोग ग्राउंड की वायर कनेक्ट कर दो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सोलर सिस्टम पे काम करते हैं या फिर अगर आप लोगों के घरों में या फिर कहीं पर भी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग डीसी एस पी डी यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अगर डीसी में कुछ सर्ज अगर आ, वोल्टेज आ जाता है तो उस केस में वहां पर जो हमारा कन्वर्टर है या फिर इन्वर्टर है वो प्रोटेक्ट हो सके ओके हाई वोल्टेज से ठीक है तो वो चीज़ें हम लोग सिंपली प्रोटेक्ट कर सकते हैं एस को यूज करके और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है ये काटरीज होती है काटरीज सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई होती है और काटरेज में क्या होता है कि हम लोग लाइन या न्यूट्रल एक जगह हाँ पे यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं दूसरी जगह पर हम लोग अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं ये अर्थ है और ये लाइन और न्यूट्रल है हम लोगों का सिंपली ओके okay. और इसके अंदर जो ये व्हाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा है ना ये होता है हमारा मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर अब मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर किस तरीके से काम करता है मान के चलो कि वोल्टेज सेट जो इसका रेटिंग है रेटिंग से अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज जितना भी है नॉर्मल वोल्टेज से अगर हाई वोल्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो उस केस में क्या होगा ये वैरिस्टर आपका हीट जनरेट करेगा यानी कि आपके हाई वोल्टेज को हीट में कन्वर्ट कर देगा एंड तुरंत ये ऑब्जॉर्व कर लेगा आपके हाई वोल्टेज को अगर मान के चलो एकदम से बहुत ज़्यादा वोल्टेज एकदम से यहाँ पे स्पाइक होता है वोल्टेज में वोल्टेज एकदम से बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है कि ये वेरिस्टर आपका तुरंत जो हाई वोल्टेज होगा उसको ग्राउंड कर देता है ओके okay, अब ये कर किस तरीके से बात है अब देखो हाई वोल्टेज में इसके अंदर का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज तुरंत ग्राउंड होगा ठीक है और जिस टाइम पे वोल्टेज नॉर्मल होता है या फिर आप कह सकते हो कि जिस टाइम पे वोल्टेज लो होता है उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड हो नहीं पाता ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है बाकी मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो आपका एमओवी जो होता है यानी कि मेटल ऑक्साइड वेजिस्ट जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं ओके okay, और भी काफ़ी टाइप के हम लोग कॉन्टैक्टर्स में भी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं आप लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी देखा होगा हम लोग सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जो कॉइल होती है वहाँ पर भी हम लोग वेरिस्टर यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो वो किस टाइप के वजिस्टर होते हैं आप लोगों को साइड में इमेज में भी दिख रहा होगा वेरिस्टर जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स में अक्सर यूज़ करते हैं तो ये काटरिस्ट कुछ इस तरीके से लग जाती है चलिए अभी हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में और जो यहाँ पे कुछ रेटिंग्स लिखी हुई है इनकी इनके इनका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कनेक्शन किस तरीके से करते हैं इन एसपीडी का तो यहाँ पे देखो ये है हम लोगों के पास सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि एसपीडी और यहाँ पे ये यह सी ब्रांड का मेरे पास एक एसपीडी है और इसमें जो यूसी का मतलब होता है ना इसका मतलब होता है मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज अब यहां पे इसकी रेटिंग दी हुई है कि आपका कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है और साथ ही यहाँ पे आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट कितना है आपका मैक्सिमम कितना करंट डिस्चार्ज कर सकता है ये वो यहां पे दिया हुआ है सिक्सटी किलो एम्स ठीक है सिक्सटी किलो एम्पियर और उसके बाद यहाँ पे जो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज करंट है वो कितना है वो यहाँ पे आपका थर्टी किलो एम्स है ओके okay. और साथ ही यहाँ पे जो 2.2 पॉइंट टू किलो वोल्ट है ये आपका वोल्टेज प्रोडक्शन लेवल है ठीक है वोल्टेज प्रोडक्शन लेवल 2.2 पॉइंट टू के वी है और उसके बाद यहाँ पे जो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं वो मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी में जो वोल्टेज का स्पाइक होता है ना वो वोल्टेज के स्पाइक से हमारे जो होम अप्लायसेज होते हैं या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो हो सकते हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं तो इस स्पाइक से बचने के लिए या फिर इस ट्रांजियंट से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं हम लोग इस डिवाइस को यूज करते हैं एसपी को ओके okay. और ये जो स्पाइक होता है वोल्टेज का जो स्पाइक एकदम से आ जाता है हमारे घरों में या फिर हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता है अगर बहुत ज्यादा देर के लिए होगा तो हमारे जितने भी मशीन्स लगी हुई हैं सबको जला देगा ठीक है वो होता है हमारा वन टू थर्टी माइक्रो के लिए अब ये वन टू थर्टी माइक्रो के लिए जो वोल्टेज होता है वो आपका थाउजेंड वोल्ट भी हो सकता है और वो आपका वन लाख वोल्ट तक भी जा सकता है ओके okay. अब वो डिपेंड करता है कि जो स्पाइक होता है ये आता कब है देखो ये स्पाइक ना ये आपका आ, अब मान के चलो आपका घर कोई ऐसी जगह पे है जिसके अगल बगल में कोई कंपनी लगी हुई है और वहां पे कोई हैवी मशीन है जब वो मशीन ऑन या ऑफ होती होगी तो उस टाइम पे आपके घर का लोड आपने देखा होगा कई बार मशीन अगर एकदम से ऑन होती है या ऑफ होती है तो वोल्टेज आपके घरों का वोल्टेज भी एकदम से लो हो जाता है हल्का सा लो होता है उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाता है या फिर हल्का सा क्या होता है नॉर्मल जो चल रहा था हल्का सा वोल्टेज एकदम से तेज ज्यादा आ जाता है वो आपको नॉर्मल एलईडी बल्ब में नहीं दिखेगा वो अगर आप लोग सौ वाट के बल्ब पहले आ, जो यूज होते थे वहां पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो उस सौ वाट के बल्ब में वो सब चीजें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो आप लोग जब कोई हैवी मशीन ऑन होती है घर में भी जब हम लोग कोई अगर हमारा मान लो कोई हैवी होम अप्लायंस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप हीटर भी यूज कर रहे हो ना अगर जैसे हम लोग हीटर को ऑन करते हैं तो एकदम से अगर आप लोग सौ वाट का लैम्प तो अगर आप लोग देखोगे तो वो एकदम से उसका हल्का सा डाउन चला जाता है ठीक है और जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो वापस से आ, सेम पोजीशन पे आ जाता है ठीक है तो होता क्या है कि एकदम से वोल्टेज का यहां पे स्पाइक होता है ट्रांजिएंट का मतलब यहां पे होता है कि थोड़ी सी देर के लिए बस जो ये थोड़ी सी देर के लिए जो वोल्टेज का स्पाइक होता है ना ये बहुत डेंजरस होता है ये आपके घरों के होम अप्लायसेस को डैमेज कर सकता है आपकी जो वायर्स जितने भी आप लोग ने अंडरग्राउंड ओपन जैसे भी चाहे वायरिंग कर रखी हो उनका इंसुलेशन ये तुरंत आ, जो वायर्स है वायर्स को डैमेज कर सकता है इंसुलेशन उसका उसको डैमेज कर सकता है ओके okay, तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ भी है वोल्ट कैन बर्न थ्रू वायरिंग इंसुलेशन एंड कॉज फायर ठीक है तो ये यहाँ पे कारण होता है तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे अपने घरों में इंडस्ट्री में हम लोग एसपीडी को यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने जो आप लोगों को दिखाया भी था तो ये हम लोगों का यहाँ पे मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर ओके okay, एंड यहां पे इसके अंदर का ये कार्टरेज लगी हुई रहती है अगर मान लो ये कार्टरेज आप लोगों की या फिर अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाता है एकदम से हाई वोल्टेज का स्पाइक आता है आपके घर में तो अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल के केस में तो ये तुरंत क्या काम करेगा अंदर ही हीट में कन्वर्ट कर देगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा लेकिन अगर वोल्टेज बहुत हाई हो गया तो उस केस में क्या होगा ये पूरा जो मेटल ऑक्साइड वेस्ट जो लगा हुआ है ये तुरंत जल जाएगा यहाँ पे और हाई वोल्टेज को तुरंत ग्राउंड कर देगा यहाँ पे ठीक है ग्राउंड कर देगा एंड आपके अप्लायसेस को यहां पे बचा लेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है हम लोगों का जो टाइप वन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग आउटडोर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं टाइप टू जो होता है ये आपका एट अपॉन ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड एंड इसको हम लोग लोड साइड में यूज करते हैं लोड साइड ऑफ मैन एंट्रेंस ओके और उसके बाद टाइप थ्री जो होती है हम लोगों की ये कॉम्बिनेशन होता है वोल्टेज वेव एंड करंट वेव का और ये कितना मतलब मिनिमम कितने टाइम में सेंस कर सकता है वो यहां पे आ, टाइमिंग दी हुई रहती है 1.2 अपॉन अपॉन माइक्रो माइक्रो एंड और जो टाइप फोर होती है वैसे तो टाइप तीन ही होती है वन टू एंड थ्री बट टाइप फोर भी यहाँ पे यूज की जाती है ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है इसको हम लोग पीएलसी एंड सर्वो मोटर्स में ज्यादातर यूज करते हैं PNCs में भी होता है और सर्वो मोटर्स में भी होता है आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे, जो जो हमारे टाइप हम के वैरिस्टर को हम लोग यूज करते हैं और कई बार यही वैरिस्टर जल जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा पहले जब हम लोग कलर टीवी वगैरह रिपेयर करवाने के लिए टीवी रिपेयरिंग शॉप में अगर हम लोग जाते थे तो वहां पे कई बार वो इस टाइप की कुछ डिवाइस को निकाल करके चेंज कर देते थे और हमारा टीवी वापस से चलने लग जाता था तो ऐसा क्यों होता था क्योंकि ये जो हमारे घरों में कई बार वोल्टेज का हल्का सा स्पाइक आने की वजह से हमारा जो टीवी होता था वो खराब हो जाता था अगर आप लोकल चार्जर्स को भी लेते हो ना लोकल मोबाइल चार्जर या फिर आपका अगर कोई नॉर्मल अगर आप लोग अडोप्टर यूज कर रहे हो चाहे राउटर के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए तो अगर वो भी डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर भी ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि यही वायरिस्टर खराब होता है ओके और वैरिस्टर को हम लोग लगभग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं ताकि अगर पीछे से कोई भी अगर स्पाइक का आता है वोल्टेज का अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर आपका हाई होता है नॉर्मल से तो उस केस में ये वैरिस्टर जो होता है ये तुरंत आपका ये डैमेज हो जाता है ठीक है ये आपका फूक जाता है और जैसे ये डैमेज होगा तो इसके डैमेज होते ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो आपका काम नहीं करेगा एंड सिंपली आप लोग इसको चेंज कर दो तो आपका जो सर्किट है वो सही हो जाता है और अगेन हम लोग सेम वेरिस्टर को हम लोग अपने कॉन्ट्रेक्टर में भी यूज करते हैं आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर में भी वेरिस्टर को यूज करते हैं ठीक है एमओवी को यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर को ठीक है तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक एसपीडी यानी कि सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के, के कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं कनेक्शन में कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ़ हमने यहाँ पे एक आइसोलेटर यूज़ किया हुआ है आइसोलेटर के इनपुट में हम लोगों ने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और यहीं से हम लोगों ने लाइन और न्यूट्रल अपने एस भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया ये लाइन है ये न्यूट्रल है हम लोगों का आउटपुट लेकर के ये मेरा लोड है तो मैंने लोड पर कनेक्ट कर दिया आपके केस में यहाँ पे आपके घर का लोड हो सकता है या फिर अगर कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग इसको मेन जो डीबी होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो या फिर इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग इन कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनपुट में या आउटपुट में वो टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं अब यहाँ पे अगर मैं जैसे ही ब्रेकर को ऑन करता हूँ तो ब्रेकर ऑन करते ही हम लोगों का यहाँ पे लोड तक पावर चली गई ठीक है अब क्या होगा कि जैसे ही मान के चलो अगर कोई भी स्पाइक या फिर कोई भी अगर मान लो आ, हमारे इनपुट वोल्टेज में एकदम से कुछ मिली सेकेंड के लिए भी अगर वोल्टेज एकदम से हाई हो जाता है एकदम से आ, यहाँ पे स्पाइक आता है वोल्टेज में तो उस केस में क्या होगा एस आपका तुरंत अगर वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा ये आपके हाई वोल्टेज को हीट में कन्वर्ट कर देगा आपके लोड को प्रोटेक्ट कर लेगा अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है ठीक है अब वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिली सेकेंड के लिए होता है ठीक है अगर वो है तो तुरंत ग्राउंड कर देगा ग्राउंड के केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो सिंपली जो आपके घरों में अर्थ आ रहा है या फिर जो आपके इंडस्ट्री में जो अर्थ आ रहा है सिंपली आप लोग उस अर्थ वायर को आप लोग जो आपका एस है उसके यहाँ पे अर्थिंग वाले टर्मिनल पे सिंपली आप लोग इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो तो जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तो हाई वोल्टेज आते ही आपका एस क्या काम करेगा उस हाई वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा और अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आता है तो इसके अंदर का जो एम जो है ना मेटल ऑक्साइड वैरिस्ट जो है ये तुरंत यहाँ पे उड़ जाएगा ठीक है तुरंत यहाँ पे डैमेज हो जाएगा और डैमेज होते ही आपके जो आ, मतलब जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका जो यहाँ पे एस है वो आपका यहाँ पे उड़ चुका है यानी कि हाई वोल्टेज आया था ठीक है तुरंत आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा ठीक है और आपका जो यहाँ पे हाई वोल्टेज जो आ रहा था वो तुरंत आपका यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा तो इस तरीके से आपका सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो काम करता है तो आई होप कि आप लोगों को एस के बारे में पता लगा होगा बाकी अगर आप लोगों का को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में